up? Welcome to my channel Thor the Labrador. I hope you are liking my videos, and thank you so much to everyone who has liked my videos and supported me now. So this video is all about कि सो स्लो फीडर क्या होता है और स्लो फीडर क्यों लेना चाहिए. सो मैंने अपने थॉर के लिए स्लो फीडर लिया क्योंकि वो बहुत तेज़ खाना खाता है और खाना तेज़ खाने से आपके पपी को और डॉग को इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग, ब्लोटिंग और चोक हो सकता है गला. सो उसके लिए ही स्लो फीडर लेना ज़रूरी है. उसके लिए उसका डाइजेशन अच्छा रहता है और वो खाना पचता है आराम से. सो इसीलिए स्लो फीडर लेना होता है. और मैंने स्लो फीडर ऑर्डर किया था जब मैं थॉर बुलाया था उसके 15 दिन के अंदर ही, बट बीच में उसको कोई एक डिजीज़ हो गया था जिसकी वजह से मैं उसको प्लास्टिक कंटेनर्स में, प्लास्टिक बोल्स में खाना नहीं खिला सकता था, इसलिए मैंने बीच में स्टॉप किया था. सो स्लो फीडर होता क्या है? सो स्लो फीडर बेसिकली क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं फ्लैट सरफेस की बजाय उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस दे देती हैं बोल में, जिसकी वजह से उसको थोड़ा समय लगता है फीड होने में, इसको समय लगता है खाने में. सो इसीलिए स्लो फीडर बना है और ये हर पेट ओनर को लेना चाहिए और अपने डॉग और पपी को इसी में ही खाना खिलाना चाहिए. वो ज़्यादा बेस्ट होता है उनके लिए अगर वो तेज़ खाते हैं तो. सो नाउ यू विल सी इन द वीडियो कि मैंने दोनों तरीके से दिखाया कि फ्लैट सरफेस में कितनी जल्दी खाना खाता है और स्लो फीडर में उसको कितना समय लगता है. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस वीडियो. फूड कहाँ है? फूड कहाँ है? चलो फूड लेने. फूड कहाँ है? चलो चलो जल्दी फूड आओ आओ जल्दी. कहाँ है फूड? ढूंढो ढूंढो. फूड कहाँ है? फूड कहाँ है? फूड कहाँ है? थॉर का फूड यहाँ है. थॉर का फूड यहाँ है. सो अभी हम लोग क्या है देखने वाले हैं कि थॉर जो है कितनी देर में खाता है. ये बहुत जल्दी खाता है. अब देखते हैं टाइमर के साथ कि कितने देर लगती है इसको खाने में. थॉर फूड खाओगे? चलो देते हैं फूड. फूड फूड अच्छे से बैठो. चलो ठीक है लो फूड. अब ये मैंने टाइमर स्टार्ट किया है. अब लेट्स सी कि कितना समय लेता है थॉर खाने में. आई होप कि ये एक या दो मिनट लगाएगा. देखिए मैंने दो स्कूप उसमें फूड दिया है और ये बहुत जल्दी खाता है. अभी विद इन 23 सेकेंड्स हुए हैं जो कि मैंने एक सेकेंड लेट ही टाइमर स्टार्ट किया है. आई होप खा ले. बड़ी स्लो खाओ थॉर. थोड़ा स्लो खाओ थॉर. थोड़ा स्लो खाओ. थोड़ा थोड़ा स्लो. थोड़ा स्लो. स्लो खा लो बेटा. पचेगा नहीं फिर क्या करोगे? उल्टी कर दोगे फिर क्या करेंगे बताओ? तबीयत खराब हो जाएगी ना आपकी. और स्लो बेटा स्लो. थोड़ा स्लो खाओ. ये एक मिनट हो गया है और थॉर का बोल ऑलरेडी अब देखोगे तो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है. और थोड़ा सा धीमे खा लो बेटा. धीमे तो खा लो. ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. डेढ़ मिनट हो गया. इतनी क्या भूख लगी है? नो फोन खाओगे? फोन खाओगे आप हैं? फोन खाओगे? एकदम मग्न हो जाते हो खाने में. इतना हफ्सी कौन बनता है भाई? इतने हफ्सी, इतने हफ्सी. मोटे हो जाओगे. अरे 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 अरे. थॉर को स्लो फीडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आई गेस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी खाता है. ये इसकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. जैसे कि हम लोग के मम्मी पापा बोलते हैं कि चबा चबा के खाना चाहिए, थॉर वो नहीं कर रहा है. देखो अभी बोल में रह गया, बोल में रह गया. अच्छा पहले बाहर का ख़त्म करोगे? ठीक है भाई मोबाइल मत खाना. हो गया हो गया हो गया हो गया. चलो इधर आओ. इधर ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये देखो ये रहा और ये रहा.
ठीक है, खा लिया आपने। इसमें थॉर की मेडिसिन मैं डालता हूँ, शायद कभी कभी वो नहीं खाता है, और वो सेकंड टाइम जब मैं फूड देता हूँ तो उसमें वापस डाल देता हूँ तो वो खा लेता है। आखिरी आप देख लो वाइट मेडिसिन, ये कभी कभी नहीं खाता है, यही तरीका है इसको खिलाने का। अभी बोल में है, देखो बोल में है। आपने फिनिश कर दिया वैसे सब कुछ, सब कुछ फिनिश कर दिया, सब कुछ फिनिश कर दिया। देखो आपने सब कुछ फिनिश कर दिया। सो थॉर ने ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 मिनट्स 15 सेकेंड्स में सब कुछ ख़त्म कर दिया। आखिरी का वो जो एक पीस है वो दवाई की वजह से उसने नहीं खाया, तो आप देख पा रहे हो कि पूरा बोल खाली है। तो स्लो फीडर बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन सही रहता है और प्लस इसकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सो मैं आपको स्लो फीडर दिखाऊंगा कैसा होता है। अभी आप देखो जस्ट कि और हो गया, चलो ख़त्म, फिनिश हो गया। और भूख चाहिए, और भूख लग रही है। फिर भूख लग रही है, इतने हफ्सी हो तुम, चबाते नहीं हो इसीलिए लगता है तुम्हें भूख हमेशा। गले में ही सब अटक गया तुम्हारे, हैं हो गया, और नहीं देंगे खाना, ख़त्म, अब 6 घंटे बाद देंगे। अरे फिर जीभ निकाल लो, और फूड देखो आपका फूड कहाँ पे, आपका फूड है यहाँ पे। वो आपके लिए स्लो फीडर ले आए ना, बहुत दिनों से आप खा नहीं रहे हो स्लो फीडर में, अब आपको वापस से स्लो फीडर में देंगे खाना, ठीक है। सो गाइस ये स्लो फीडर मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, और मैं काफ़ी दिनों से ये थॉर को नहीं दे रहा था इसमें खाना, क्योंकि स्लो फीडर जो होना चाहिए प्लास्टिक का होता है, और मैंने जो है स्टील का ऑर्डर नहीं किया था। और उससे पहले क्या हुआ था कि थॉर को कुछ डिजीज़ हो गया था एक, जो कि जिसमें प्लास्टिक की चीज़ें नहीं खिला सकते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों में नहीं खिलाया जा सकता, इसलिए ये मैंने थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया था। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस से इसमें स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वो डिजीज़ जो था वो थॉर का अब सही हो चुका है। सो आई एम गोइंग टू फीड हिम इन दिस अगेन। सो लेट्स सी अब ये कितना टाइम लेता है, क्योंकि फ्लैट बोल में तो ये बहुत ही जल्दी खा लिया था इसने, अराउंड 3 मिनट्स 15 सेकेंड्स में। अब देखते हैं स्लो फीडर में कितना समय लगता है वापस। और चलो कहाँ पे देते हैं फूड, कहाँ देते हैं फूड, चलो कहाँ पे, चलो फूड वाली जगह पे, चलो। ठीक है, अब आपको फूड मिलेगा। लो, गुड बॉय। सो गाइज मैंने टाइमर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, 2 सेकेंड्स थोड़ा लेट हुआ है। सो अभी मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, अब देखते हैं कि थॉर कितना समय वापस लेता है खाने में। स्लो फीडर से डेफिनेटली इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले से ट्राई किया हुआ है। लास्ट टाइम जब मैंने स्लो फीडर यूज़ किया था तब ये अराउंड 2 मंथ्स का था, क्योंकि तभी से बहुत तेज़ खा रहा था, इसलिए मैंने स्लो फीडर तभी ले लिया था। और क्योंकि अब ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, इसकी डाइट थोड़ी बढ़ गई है, इसकी वजह से आई गेस स्लो फीडर थोड़ा सा ये छोटा है क्वांटिटी जो मैं दे रहा हूँ उसके लिए। सो आई गेस थोड़ा मुझे कम करना पड़ेगा क्वांटिटी को भी, उसको पार्ट्स में देना पड़ेगा इसको। और अभी मैं देखो यहाँ पे आपके लिए रख देता हूँ टाइमर, देखते हैं कितना ही ये समय लेता है। सो ये टाइमर चल रहा है, 1 मिनट हो गया है। अभी थॉर को थॉर ने स्टार्ट ही किया है, थोड़ा ही खाया है। सो आई थिंक कि थॉर को मैक्सिमम आई गेस 5 से 6 मिनट्स तो लगेंगे ही। थॉर जो है बहुत ही जल्दी खाने की वजह से इसको कई बार ऐसा हुआ है कि इसको वॉमिटिंग हो गई है, और जो वॉमिटिंग होती है तो मैंने देखा एक दो बार ये कि पूरा जो जैसा जैसा खाना दिया था वैसा ही वैसा सेम बाहर आ गया, और इसकी वजह से पपी को ब्लोटिंग भी हो जाती है कभी कभी। थॉर को एक बार ब्लोटिंग भी हुई है। सो इसलिए मैं सीख गया था उस समय कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये थी कि इसको एक डिजीज़ था जिसकी वजह से मैं प्लास्टिक के बर्तन में इसको खाना नहीं दे सकता था, बट वो
बाय गॉड ग्रेस कि वो डिजीज सही हो गया है, इसलिए अब मैं वापस इसमें इसको फूड दे सकता हूँ। सो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि आई गेस इसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा खाने में। सो सीधे में देखते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं कि कितनी देर में इसने ख़त्म किया। गाइज ऑलरेडी 3 मिनट हो गए हैं और अभी भी सिर्फ हाफ बोल ख़त्म हुआ है थोर का, हाफ अभी भी बचा है और थोड़ा सा गिरता है क्योंकि ये स्लो फीडर है तो इसलिए उसको मेहनत लगती है। पक्का मुझे बहुत गाली दे रहा होगा इस समय। बट इट्स गुड फॉर यू थोर, थोर आराम से खाओ, पूरे घर में ठहराओगे, बोल को पूरे घर में लेके चलोगे। अरे यहाँ से चालू किया था तुम, यहाँ आ गए, कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ, नहीं 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 बहुत दूर चले गए, नहीं 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 रुक जाओ इधर आओ, वापस इधर आओ, हाँ यहाँ पर, यहाँ पर फोन को मत खाना बस। अरे अरे फोन खतरे में आ गया, फोन खतरे में आ गया। गाइस ये बहुत जल्दी खा रहा है इसलिए मैं फ़ोन को इधर रख दे रहा हूँ, यहाँ पे खा रहा है, किसका किसका आगे पूरा हर जगह लेके जा रहा है। ऐसा होता है स्लो फीडर में, मेहनत लगती है। और ये जैसे मैंने स्टैंड ले रखा था, स्टैंड पे क्या फिक्स हो जाता है बोल, लेकिन ये फिक्स नहीं हो सकता, इसकी वजह से थोड़ा सा ये होता है कि खिसकाते खिसकाते खाते हैं। अब फिर पोजीशन चेंज होगी, लो सो गाइस अब 4 मिनट्स 25 सेकेंड्स अभी भी थोर खाते ही जा रहा है, एंड का कुछ बचा है और काफ़ी यहाँ पूरा फैल गया है जो कि आई गेस ही ख़त्म करेगा, लेट्स सी। सो गाइस इसने देखिए बोल पूरा ख़त्म कर दिया है, अप्रोक्स 2-3 पीसेस बचे हैं, आप ये देखोगे ध्यान से, तो लो लो ये बोल पूरा ख़त्म हो गया है, सिर्फ आखिरी के 3 पीस बचे हैं जो कि मैं यहीं पे गिरा दूंगा। जिससे खाली हो गया थोड़ा, खाली हो गया, देखो खाली हो गया, हाँ अब जहाँ जहाँ गिरा है वहाँ पर ये कम्प्लीट करेगा क्योंकि ऑब्वियस ये प्लेट में खाना नहीं छोड़ता है जो कि हम सबको करना चाहिए। तो अभी ये जहाँ जहाँ गिरा है ये वहाँ वहाँ जाएगा, वहाँ वहाँ पूरा खाएगा और देखेगा, फिर रीचेक करेगा कि बोल में कुछ है कि नहीं। बोल कहाँ लेके चले गए, अरे अरे बोल कहाँ लेके चले गए, बोल कहाँ लेके जा रहे हो, उठा के ले जाओगे। अरे बेटा ख़त्म हो गया, ख़त्म देखो, ख़त्म हो गया, देखो ख़त्म हो गया, यहाँ देखो ना इतना सारा है, यहाँ खाओ। बोल का काम खत्म, देखो पहले आप ये सब खत्म करो। गाइस टाइम देखिए, इट्स अराउंड 6:53 सेकेंड्स अभी हो गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट हो गए और अभी तक थोर लास्ट का जो बचा हुआ है जो कि उसको खिसकाने में गिरा है, नो वहाँ नहीं है, उधर है, वो देखो अब यहाँ पे, ये देखो थोर, ये देखो इसको, ये चीज़ अच्छी है थोर में, ये देखो ये चीज़ अच्छी है कि जहाँ जहाँ मैं वो ऊपर देखेगा, जहाँ जहाँ मैं बताऊँगा, वो देखो नीचे देखो, वहाँ वहाँ वो जाएगा और वहाँ वहाँ खाएगा, वो देखो वो भी है, ये देखो हाँ इतना सारा देखो है ना, ये सब है, ये देखो आओ, वो देखो नीचे देखो ये, अरे ये रहा, ये देखो गुड बॉय, ये देखो एक वहाँ पर भी है, इधर देखो, वो देखो हाँ गुड बॉय, अब इधर भी है देखो, हाँ ये भी है बस, अब इधर भी है देखो, गुड बॉय, बस ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया, देखो बोल भी ख़त्म हो गया, देखो खाली हो गया बेटा, अच्छा कहाँ ले जा रहे हो, अरे 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 बोल कहाँ ले, बेड पे लेके आके खाओगे क्या, अब बोल भी खा जाओगे बोल भी खा जाओगे अरे बोल ख़त्म हो गया बेटा, ख़त्म हो गया, पीछे थोड़ी ना उसके खाना डलता है, ख़त्म गुड बॉय, चलो आ जाओ, कम। सो गाइस अपडेट,
अराउंड 8 मिनट्स 30 सेकेंड्स आई थिंक इसने ख़त्म किया अप्रॉक्सीमेट, अगर 8-10 भी मान लें. सो आप सोचो कि 3 मिनट्स 15 सेकेंड्स से लेके 8:15 सेकेंड्स, ये बहुत ही बड़ा रेंज है, चेंज है. और अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि इसके लिए अब ये जायरेशन अच्छा होगा, इसकी पॉटी अच्छी होगी, इसको ब्लोटिंग नहीं होगी, कभी वॉमिटिंग फील नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा. सो इसलिए थोड़ा नो. तो अब ये देखो परेशान हो गया है कि उस बोल में और होगा और होगा और होगा. ये हमेशा भूखे रहते हैं भाई साहब, हमेशा भूखे रहते हैं. अच्छा वो खेलने के लिए है, खा लिया बेटा तुमने? अच्छा बेड पे लेके चले जाओगे, हो गया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी एंड वॉच ऑल माई वीडियोज, सब्सक्राइब टू योर चैनल, शेयर विथ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स. एंड ऐसे ही मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे कि आपको हेल्प होगी, हर पेट ओनर की हेल्प होगी, प्लस जिनके पास पेट नहीं है वो भी एंटरटेन होंगे. और ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए. थैंक यू सो मच. सो बाय फ्रॉम मी एंड बाय फ्रॉम थॉर. हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.